आइए जानते हैं डीजल इंजन में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन में डीजल क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं डीजल इंजन में पेट्रोल की। पेट्रोल के अंदर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज ना होने की वजह से मेटल के कंपोनेंट्स का फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण पेट्रोल के अंदर छोटे छोटे मेटल के कण मिक्स हो जाते हैं और वो फ्यूल पंप को खराब कर सकते हैं, जिससे पूरा इंजन खराब हो सकता है। मान लेते हैं आप पेट्रोल में कुछ ऐसा मिला देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी डीजल इंजन ऑटो इग्निशन पे काम करते हैं, मतलब प्रेशर की वजह से अपने आप। तो क्या हम पेट्रोल को अपने आप नहीं जला सकते? बिल्कुल जला सकते हैं। डीजल अपने आप 210 डिग्री सेल्सियस पर जलता है और पेट्रोल 280 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब इस बात का क्या मतलब निकला? तो अगर पेट्रोल को डीजल इंजन में जलाना है तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी और ज्यादा कंप्रेशन, जिसके लिए एनर्जी को अलग से देना पड़ेगा, यानी खर्चा बढ़ जाएगा। तो इससे फायदे की जगह नुकसान ही हुआ ना। बाकी के रीजन नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपके लिए एक सवाल, कमेंट में बताएं क्यों डीजल के मुकाबले पेट्रोल काफी दूरी से आग पकड़ लेता है।